दोस्तों, अगर आपके भी मोबाइल फ़ोन का जो कैमरा है बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है, जैसे ही आप कैमरा को ओपन करते हो या तो ब्लैक ब्लैक आता है, कोई भी वहां पे कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल आप सही वीडियो को देख रहे हो। अगर आपका किसी भी कंपनी का मोबाइल फ़ोन हो, आज की इस वीडियो को आप देखेंगे तो जो कैमरा की जो प्रॉब्लम आप फेस कर पा रहे हैं, बिल्कुल आप नहीं करेंगे। एकदम आपको मैं फुल एंड फाइनल सोल्यूशन दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए मैं चलता हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, एक भी स्टेप्स को मिस मत करना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों भी आप देख सकते हो अपने मोबाइल स्क्रीन पे, मैं आपको दिखाता हूं। तो गाइज यहां पे देखिए, ये मेरा कैमरा है अपने फोन में। यहां पे मैं कैमरा पे जैसे क्लिक करता हूं तो कुछ इस टाइप से दिखता है, बिल्कुल मतलब वाइट वाइट, और ये मतलब यहां जितने भी सिस्टम है जो भी है यहां पे कुछ भी वर्क नहीं करता है, मतलब अपने आप ही या तो बैक हो जाता है, अपने आप ही कुछ से कुछ हो जाता है, लेकिन ये कैमरा जो है बिल्कुल ही वर्क नहीं कर रहा है। बिना टच किए भी जो है यहां से बैक हो जाता है। तो इसका जो मतलब जो मेन सोल्यूशन है आपको कैसे ठीक करना है, एकदम वीडियो को सही से देखना, मतलब कि एक भी स्टेप्स मिस मत करना, जो मैं बता रहा हूँ वही करना, ठीक है। तो चलिए अभी देख लिया आपने, दो तीन बार कुछ भी कर रहा हूँ तो यहाँ से बैक हो जा रहा है लेकिन कैमरा वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हमें क्या करना है, अपने मोबाइल के सेटिंग में चले जाना है, ठीक है। चाहे किसी भी कंपनी का फ़ोन हो, वहाँ पर एक चीज़ देखना, जैसे आप अपने मोबाइल के सेटिंग में जाएंगे तो ऐसा कुछ जो होगा ना, उसमें एक ऑप्शन होगा ऐप्स, वो सभी फ़ोन में होता है, किसी भी कंपनी का फोन हो, ऐप्स वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शंस होंगे और थोड़े बहुत ऐप्स होंगे, तो अलग अलग थोड़ी सी यहाँ पे सेटिंग चेंज होती है। किसी का ऐप्स यहीं पे सब हो जाता है, किसी का जो है ऑल ऐप, यहाँ पे जहाँ पे ऐप लिखा हो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो जब आएगा। तो चलिए मेरे फ़ोन में यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो अब मेरे जितने भी मोबाइल के ऐप है जो भी है वो सब ऑटोमेटिक यहाँ पर खुल के सामने आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर गाइज सर्च का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आप अपने मतलब कैमरा लिख करके सर्च कर लेना है, और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा कैमरा यहीं पे है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है गाइज, इसको ध्यान से देखना, बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन है आपके स्टोरेज का, ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद गाइज यहाँ पे क्लियर डाटा पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके कैमरे में जो भी प्रॉब्लम होगा, जैसे ही आप क्लियर डाटा करेंगे तो वो ऑटोमेटिक फिर ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैंने क्लियर डाटा कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से मैं कुछ भी नहीं करूँगा, सिंपली बैक हो जाऊँगा। उसके बाद गाइस जैसे ही आप बैक हो जाएंगे आपको कुछ भी नहीं करना है, आप चाहें तो एक बार अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके आप ऑन कर सकते हैं या रीस्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे आपके कैमरे पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो मैं अपने कैमरे पर यहाँ पर क्लिक कर लूँगा, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है मतलब जो कैमरा है वो वर्क कर रहा है, ज़रा से भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखिए मैं फ्रंट कैमरे की तरफ करूँगा तो भी ये जो है वर्क करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके मतलब आपका किसी भी कंपनी का फ़ोन हो, आप उसको इसी जिस मेथड से मैं बताया हूँ ऐसे करके आप अपने फ़ोन के जो कैमरा है उसको ठीक कर सकते हो। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।